नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। आज ये जो मेरा लेक्चर है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर होगा, नेट सेट या फिर किसी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में या फिर पीजीटी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। एंड वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ ओनली वैदिक पीरियड। तो टुडेज लेक्चर विल बी ऑन वैदिक एज। लेक्चर जो होगा ये बाइलिंगुअल होगा, दोनों ही लैंग्वेज में होगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन है जो कि नेट 2014 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपको वेद दिए हुए हैं, वेदों के नाम दिए हुए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, दूसरी तरफ उनके ब्राह्मण ग्रंथ दिए हुए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रीय ब्राह्मण एकदम सही है, और ऐत्रीय के साथ साथ एक और ब्राह्मण ग्रंथ इसका एक आता है जिसका नाम है कौशितकी ब्राह्मण। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कौशितकी ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण। इसके बाद सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ दिया हुआ है तैत्री ब्राह्मण, ये गलत है। तो ये हमारा आंसर भी होगा, तैत्री ब्राह्मण इसका ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। तैत्री ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ इसका है, वो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, पंचविश एंड षड्विश और जैमिनी, इसको आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में, लिख लीजिए जैमिनी, ये इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, और एक और ब्राह्मण ग्रंथ आता है यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, शतपथ के अलावा तैत्तिरीय ब्राह्मण। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये प्रश्न इस तरह से ही पूछ सकते हैं, और एक एग्जाम में एमपी जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ था उसमें इसको मैच द फॉलोइंग में दिया था। तो अगर आपको किसी भी तरह से आया, मान लीजिए ऐत्रीय ब्राह्मण नहीं दिया है, कौशितकी ब्राह्मण दिया, तो आप ऋग्वेद से लगाएंगे। अच्छा, दूसरी तरह का इसमें जो प्रश्न बनता है वो इस तरह से बनता है कि इन ब्राह्मण ग्रंथ, इन जो वेद हैं, जो आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हैं, इनके उपवेद पूछे जा सकते हैं। तो दे में आस्क यू, इनके सब जो सब वेद हैं, इनके वेद में से दूसरे जो वेद निकले हैं वो कौन से हैं। तो ऋग्वेद से निकला है आपको आयुर्वेद, आपने नाम सुना ही होगा आयुर्वेद, जो कि मेडिसिन के ऊपर है आयुर्वेद, ये ऋग्वेद से निकला है। सामवेद जैसा कि आप जानते हैं कि एक म्यूजिक से रिलेटेड है, तो गंधर्व वेद जो है वो सामवेद से निकला है, गंधर्व वेद जो है ये सामवेद का ही उपवेद है। यजुर्वेद, यजुर्वेद जैसे कि आपको पता है कि जो यजुर्वेद है इसमें बहुत सारे कर्म कांड दिए हुए हैं, तो यहां से निकला है धनुर्वेद, धनुर्वेद, और अथर्ववेद से निकला है शिल्प वेद। तो इस तरह से जो प्रश्न है ये जो आपको दिया मैंने, ये उपवेद दिए हैं इनके, और ये उपवेद आपसे पूछे गए थे, यहीं से क्वेश्चन आया था, इन्हीं से एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ है 2017, उसमें से ये क्वेश्चन बना था कि आपको जो वेद दिए थे उनमें से कौन सा उपवेद नहीं है। तो इस तरह से एक प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है जो कि दिल्ली में पूछा गया था पीजीटी 2019 में, 10 राजाओं की लड़ाई डैश नदी तट पर हुई थी, आपको नदी का तट बताना था, कौन सी नदी तट पे, बैटल ऑफ 10 किंग फॉर फॉट एट विच रिवर पे, विच रिवर बैंक। तो ये आपको जो नाम दिए हैं ये मैं आपको बता दूं कि पुराने नाम है नदियों के, आधुनिक नाम इनके अलग मिलते हैं, और इस पे भी क्वेश्चन बनता है। तो ये जो प्रश्न पूछा गया, ये आपसे पूछा गया ऋग्वेद के ऊपर, ऋग्वेद में जो मंडल है, अच्छा मंडल आपको बाद में बताऊंगा, आगे मैंने उसके ऊपर भी क्वेश्चन डाला है। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपको एक ही टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया, अगर आपने 10 राग युद्ध पढ़ लिया ढंग से, तो उसमें भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दिल्ली पीजीटी 2019 में ही उसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे हैं अलग अलग तरीके से। तो 10 राज जो युद्ध है ये हुआ है आपका परुष्णी नदी के बैंक पे, परुष्णी नदी का जो आधुनिक नाम है वो क्या है, रावी। तो ये रावी नदी का आधुनिक नाम मिलता है। वितास्ता मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि झेलम का पुराना नाम है, अगर आपने नोट डाउन ना किया हो तो आप अभी भी नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनते हैं, आधुनिक नाम और पुराने नाम को मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, या फिर कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है वहां से आ जाएगा। शतुद्री जो है ये सतलज का है, सतलज, स्पेलिंग गलत हो गई है सतलज की, आप ठीक कर लीजिएगा। तो सतलज, वितास्ता, झेलम, परुष्णी, रावी नदी। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2015 में पूछा गया प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पुराण हैव बीन कॉल्ड एंशियंट हिस्ट्री बाय दियर क्रिएटर्स, निम्नलिखित में से किन पुराणों को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है, सबसे पुराना। तो आपको देखिए ऑप्शन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें पता है कि मत्स्य पुराण जो है वो सबसे ज्यादा पुरानी है, उससे पुराना कुछ भी नहीं है, और वो मत्स्य पुराण हमको दिया हुआ है केवल और केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो मत्स्य पुराण और वायु पुराण इसका आंसर है ऑप्शन सी।
अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन 2019 पीजीटी में भी पूछा गया है, एनवीएस पीजीटी में भी 2019 में पूछा गया सेम क्वेश्चन। अस्किनी इज द एंशियंट नेम ऑफ विच रिवर। तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में भी कि जो नदियां हैं उनके पुराने नाम आपको याद होने चाहिए और आज उसको किस नाम से जानते हैं वो भी याद होना चाहिए। ये जो नदी है आपको बताऊं कि अस्किनी जो है ये चेनाब को बोला गया है, आज का उसका आधुनिक नाम चेनाब है। तो आप उस लिस्ट में इसको भी ऐड कर सकते हैं, नोट्स बनाते चलिए। ब्यास, ब्यास नदी के बारे में, ब्यास नदी का जो पुराना नाम है वो मिलता है आपको विपाशा, विपाशा इसका पुराना नाम मिलता है ब्यास नदी का। ब्यास नदी को पुराना नाम अगर आप देखेंगे तो विपाशा मिलता है, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। ब्यास नदी ऐड हो गई, चिनाब नदी ऐड हो गई, इससे पहले मैंने आपको दो नदियां बताई थी और पिछले लेक्चर में भी एक नदी बताई थी। इन सबको आप धीरे धीरे ऐसे ऐड करते जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा ये डेटाबेस बन जाएगा। अगला प्रश्न अगेन दिल्ली की पीजीटी 2019 में पूछा गया है, वैदिक एज से 2019 दिल्ली में पीजीटी में और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2016, 2018, इनमें बहुत प्रश्न आए। तो यही प्रश्न घूम घूम के हर जगह आते हैं। मैंने जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में भी दिखाया कि सेम क्वेश्चन दिल्ली पीजीटी 2019 में था, सेम क्वेश्चन एनवीएस पीजीटी 2019 में भी आ गया, और वहीं से क्वेश्चन आपको नेट के 2014 और 2018 में भी आया है जिसमें रिवर्स को मैच करने के लिए बोला गया था पुराने नाम और नए नाम के साथ। तो ये अगर आप डेटाबेस बना लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का ही दे रहा हूँ, आगे चल के हम उसको भी देखेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, वेदांत वर्ड इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर। किस वैदिक साहित्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग हुआ है? तो जैसे आपको पता है कि जो वेद है, वेदांत, वेदांत का मतलब ये नहीं कि वेदों का अंत हो गया, नहीं, वेदांत का मतलब ये है कि जो वेद में जो चीजें लिखी हैं उसके सार को, उसके अर्थ को कहाँ पे हमको पता चलता है, उसकी हमको दार्शनिक जो अभिव्यक्ति है, जो उसका फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी है, वो हमको कहाँ पे देखने को मिलती है? तो वो हमको देखने को मिलती है उपनिषद में, इसीलिए इसको वेदांत कहा गया है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन आया है, व्हाट स्टेटस वाज गिवन टू द चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ प्रतिलोम टाइप ऑफ मैरिज। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को कौन सा दर्जा दिया जाता था? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रतिलोम विवाह है क्या। मैं आपको बताऊं कि दो तरह के विवाह प्रचलित थे, एक था अनुलोम, अनुलोम और एक था प्रतिलोम। अनुलोम में क्या होता था, ये जो अनुलोम था इसकी मान्यता बहुत ज्यादा थी और जो प्रतिलोम था इसको समाज में ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती थी। होता यह था कि जो प्रतिलोम विवाह है इसमें महिला की जो स्थिति है, यानी कि जो फीमेल है वो हायर हायर स्टेटस से होगी, यानी कि ब्राह्मण होगी, और जो मेल होगा वो लोअर स्टेटस से होगा, यानी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कुछ भी हो सकता है। तो फीमेल हायर होगी प्रतिलोम में, और यहाँ पे जो अनुलोम विवाह है उसमें जो मेल का स्टेटस होगा, जो मेल का वर्ण होगा, स्टेटस नहीं बोलेंगे हम, वर्ण पे आते हैं क्योंकि सारी बात जो सारी चर्चा चली है वर्ण के ऊपर चली है, कास्ट सिस्टम तो बहुत बाद में आया है। तो जो वर्ण है मेल का वो एक हायर हायर होगा, हायर वर्ण का मेल होगा और लोअर वर्ण की फीमेल होगी, उसमें हम जो विवाह देखते हैं उसको हम अनुलोम बोलते हैं। जब फीमेल का वर्ण हायर होगा और मेल का वर्ण लोअर होगा वो जो विवाह होगा उसको प्रतिलोम बोलते हैं। तो जो अनुलोम विवाह था उसको बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती थी और जो प्रतिलोम विवाह था उसकी मान्यता बहुत कम थी। तो प्रतिलोम विवाह से जो उत्पन्न होती संतान उसका जो स्टेटस होता था, उसका जो वर्ण होता था या कास्ट जो बाद में बनने लगी, क्योंकि हमको पता है जब अलग अलग वर्णों में विवाह होने लगे तो कास्ट बनने लगी और इसी को हम वर्ण संकर जाति भी बोलते हैं। तो लोअर देन मदर एंड फादर, जो मदर और फादर का जो वर्ण होगा, जो स्टेटस होगा, उससे जो संतान उत्पन्न हुई है, जो उसका चाइल्ड हुआ है, उसका स्टेटस हमेशा उन दोनों के स्टेटस से नीचे रहेगा। तो आपको हो सकता है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी पूछ लें, कभी कभी कोर्ट में पूछ सकते हैं इस तरह से, तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2016 में पूछा है, देखिए ये मैच द फॉलोइंग का सवाल है सीधा सीधा। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं पता है तो, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि योग, इतनी बातें चलती हैं, योग सूत्र, योग सूत्र पतंजलि का है, कितनी बार मोदी जी बोलते हैं कि योग सूत्र पतंजलि ने हमको योग दिया, तो आप इसको सीधे सीधे मैच कर सकते हैं, इसको आप मैच कर सकते हैं पतंजलि से। और अगर आप ऑप्शन देखें तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ, सभी स्टूडेंट्स को मैं सलाह देता हूँ, जब भी आपको मैच द फॉलोइंग तरह के प्रश्न आए तो आप हमेशा ये देखिए कि आपको कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो एकदम एकदम 100% श्योर है कि ये तो इसी का होगा। जैसे योग सूत्र आपको पता है कि पतंजलि का ही होगा और किसी का नहीं हो सकता इसमें से, जितने भी नाम दिए। तो आप सबसे पहले ऑप्शन जाके देखिए, ऑप्शन में आप देखेंगे तो सी के नीचे आपको दो केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और वो है सी ऑप्शन, तो इसको आप लगा सकते हैं, आपका टाइम भी बच जाएगा। अगर
ये सी के नीचे दो किसी और ऑप्शन होता तो आपको थोड़ी सी उलझन हो सकती थी यहाँ पे, लेकिन सी के नीचे एक ही ऑप्शन है। और इसके आगे अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है कि वेदांत सूत्र जो है ये वेदारण का है, और अगर आपको पता है कि जो वैशेषिक सूत्र है ये कणाद ऋषि ने दिया है, और पूर्व मीमांसा जो है ये जैमिनी की है। हालांकि पूर्व मीमांसा जैमिनी की बहुत लोगों को पता रहता है, तो आपको दो ऑप्शन भी अगर पता है तो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होते हैं, और बल्कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी होता है बाकी क्वेश्चन के मुकाबले, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन के साथ आपको आपके पास एक सोचने का एक एरिया बना हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं इसको। एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 8, समाज में चतुर्विध वर्गीकरण का प्रचार प्राप्त नहीं होता है इनमें से किन साक्ष्यों में? फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन इज नॉट प्रोपोगेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट? शांति पर्व ऑफ महाभारत, क्या महाभारत के शांति पर्व में, विष्णु पुराण में, पुरुष सूक्त ऑफ ऋग्वेद, या नासदीय सूक्त ऑफ ऋग्वेद? तो जो हमारा फोर फोल्ड कास्ट सिस्टम है, जिसको हम फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन बोलते हैं, कास्ट सिस्टम नहीं बोलूंगा, वर्ण सिस्टम बोलूंगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये आपको महाभारत के शांति पर्व में भी मिलता है, विष्णु पुराण में भी मिलता है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी मिलता है, लेकिन नास्तीय सूक्त में नहीं मिलता। अब ये ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है ये है 10वें मंडल में, 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद, और ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं? ऋग्वेद में टोटल मंडल है 10, 10 मंडल है, जिसमें से जो 2 से 7 मंडल हैं ये पुराने हैं, ओल्ड हैं, और जो 1st मंडल और 10th मंडल, मंडल का मतलब है भाग, एक तरह से आप बोल सकते हैं मंडल का मतलब भाग है, जो 1st मंडल और 10th मंडल है ये न्यू है, लेटेस्ट है, बोला जाता है इनकी जो रचना है ये बाद के काल में हुई है, और 2 से 7 जो मंडल है पहले रचे गए थे। तो जो पुरुष सूक्त है ऋग्वेद का वो 10वें मंडल में है, यहां से भी क्वेश्चन आया है कि पुरुष सूक्त कौन से मंडल में है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त, और इसी में चर्चा की गई है कि किस तरह से जो ब्रह्म है उनसे मानव की जो रचना हुई है वो किस तरह से हुई है, और मुख से ब्राह्मण निकले हैं, इस तरह से इसमें बहुत सारा चर्चा किया हुआ है, हालांकि ये हमारा चर्चा का विषय नहीं है। और विष्णु पुराण के बारे में बताऊं आपको, विष्णु पुराण जो है ये आपको मौर्य साम्राज्य के विषय में, मौर्य डायनेस्टी के बारे में भी जानकारी देती है, तो ये सोर्स ऑफ मौर्य हिस्ट्री भी है विष्णु पुराण, इसका आंसर नास्तीय सूक्त हो जाएगा, इसमें आपको फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन नहीं मिलता, बाकी इन सब में मिलता है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पीजीटी 2015 में पूछा है, एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द, पुनर्भू शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि अभी आप देखिए कि स्त्री के मतलब फीमेल कंडीशंस के ऊपर एंशंट लाइफ में कैसी कंडीशन थी इसके ऊपर बहुत प्रश्न आने लगे हैं। तो पुनर्भू शब्द किसके लिए मतलब किस ग्रंथ में मिलता है, सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है पूछा गया आपसे, ये नहीं पूछा गया किस ग्रंथ में मिलता है, बोला गया सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है, तो इन विच बुक इज द वर्ड पुनर्भू यूज फॉर द रीमैरिड वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये मिलता है आपको ऋग्वेद में, ऋग्वेद में पुनर्भू शब्द मिलता है उन महिलाओं के लिए जिनकी दोबारा से शादी की जाती थी, जिनका दोबारा से विवाह किया जाता था, और इससे हमको ये पता चलता है कि जो ऋग्वेदिक काल है उसमें फीमेल की जो कंडीशन थी दैट वाज वेरी गुड, मतलब लेटर वैदिक पीरियड में अगर हम कंपेयर करें तो फीमेल को रिमैरिज उसको अलाउड नहीं थी, सती प्रथा आने लग रही थी समाज में किसी तरह से, मगर जब ऋग्वेदिक काल हम देखते हैं तो इसमें ऋग्वेदिक काल में सती प्रथा बिल्कुल नहीं है, सती प्रथा का जो उल्लेख मिला है वो इस तरह से मिला है कि वो एक फॉर्मेलिटी थी, जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो जो फीमेल है वो उसके चिता के ऊपर जाके बैठती थी, लेकिन उसके सगे संबंधी उसको उठा के ले आया करते थे, और ये प्रथा वहीं की वहीं संपन्न हो जाया करती थी, मतलब एक तरह से फॉर्मेलिटी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और विदेशी आक्रमण होने लगे तो ये सती प्रथा जो है ये गहराने लग गई समाज में, तो इससे भी प्रश्न आ सकते हैं आपको कि विडो रिमैरिज ऋग्वेद में अलाउड थी बट लेटर वैदिक पीरियड में अलाउड नहीं हो गई, हो सकता है चार क्वेश्चन चार स्टेटमेंट दे दें, और विडो रिमैरिज इस तरह से आ गया, चाइल्ड मैरिज भी नहीं थी ऋग्वेदिक काल में, सती प्रथा भी नहीं थी, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको फ्रेम किए जा सकते हैं, तो ये पुनर्भू वाला जो शब्द है ये आपको याद रखिए। और अच्छा, ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता था आपसे, ये पूछ सकते थे कि जिन महिलाओं की ऋग्वेदिक काल में दोबारा विवाह जिनका कर दिया जाता था उन महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो आपको चार उल्टे सीधे ऑप्शन देंगे, अमाजू, पुनर्भू, इस तरह से, तो आपको पुनर्भू शब्द याद रखना। पीजीटी 2016 में 10th क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच उपनिषद ऑल फोर आश्रम आर मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम? किस उपनिषद में चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख आया है? तो ये आया है आपका जबालोपनिषद में, जबालोपनिषद में चार आश्रम, जो चार आश्रम हम
पढ़ते आए हैं, ब्रह्म आश्रम, गृहस्थ आश्रम, इस तरह से वानप्रस्थ और जो हमारा संन्यास आश्रम है, वो चारों आश्रम का जो उल्लेख है सबसे पहले जवारो उपनिषद में आता है। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 2001 प्री में भी आया, यूपीपीसीएस के यूजीसी नेट में 2012 में भी आया है, और इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको बता एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में अलग तरीके से पूछा गया था। मैं आपको बताता हूँ, पहले इसकी पूरी व्याख्या कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक डाइटीज आर मेंशन्ड इन बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन फ्रॉम एशिया माइनर। एशिया माइनर के बोगाज कोई अभिलेख में निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवताओं का उल्लेख है? इंद्र, वरुण, अग्नि और सूर्य, इंद्र, वरुण, मित्र और अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इंद्र, मित्र, धौत और नासत्य। तो इसका आंसर तो दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। अब ये जो नासत्य हैं ये कौन है? ये है अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इनकी पहचान की गई है। अश्विनी कुमार कौन थे? ये डॉक्टर थे, डॉक्टर साहब थे, जो जितने भी ऋग्वेदिक काल की जो डाइटीज हैं उनके डॉक्टर माने जाते हैं अश्विनी कुमार। और ये प्रश्न इस तरह से आया है कई बार कि इनमें से कौन सा वैदिक देवता भोगास कोई अभिलेख में नहीं मिला, तो उसमें आपको चार ऑप्शन दे देंगे, उसमें हो सकता है नासत्य की जगह किसी और को डाल दें। तो एक बार क्वेश्चन जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में आया वो इसी तरह से था, उसमें इंद्र, मित्र, नासत्य और अग्नि दिया हुआ था, तो अग्नि नहीं है। तो आपको ये चारों याद रखने हैं और इसी ऑर्डर में ही है। और ये बोगास कोई अभिलेख कहाँ से मिला है, ये क्वेश्चन एक बार आया था, कहाँ से मिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया माइनर, एशिया माइनर में कहाँ से मिला है ये? एशिया माइनर में टर्की नाम की कंट्री है, वहां से मिला है ये, एशिया में टर्की नामक कंट्री में मिला है। और ये बोगस कोई अभिलेख है कब का? तो ये आपको याद रखना है कि जो बोगस कोई अभिलेख है ये आपका आता है 14th सेंचुरी बीसी, मतलब ईसा पूर्व, ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी का है। इसीलिए इसके बेसिस पे कई सारे इतिहासकारों ने ये साबित किया है कि जो आ रहे थे वो बाहर से आए थे, एशिया माइनर से आए थे, क्योंकि हमको वहां पे भी जो वैदिक देवता है उनके नाम मिल रहे हैं। कहाँ पे? एक बोगस कोई अभिलेख है वहां पे। और ये बोगस कोई अभिलेख है क्या? ये बोगस कोई अभिलेख कुछ नहीं है, वहां पे दो राजाओं के बीच में संधि हुई है, हित्तनी नरेश और मित्तनी नरेश, उनके बीच में जो संधि हुई है, वो संधि जब कर रहे हैं तो इन देवताओं को साक्षी मान रहे हैं। मतलब आप जब कोई प्रतिज्ञा लेते हैं ना, तो आप बोलते हैं जैसे गीता पे हाथ रख के बोलते हैं, गीता की कसम खा के मैं कहता हूँ जो कहूंगा सच कहूंगा, उस तरह से ये दोनों संधि कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि संधि का साक्षी कौन है? इस संधि के साक्षी चार देवता है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। तो इसके ऊपर प्रश्न बहुत बार आया और तरह तरह से घुमा घुमा के पूछे गए, और पूरा प्रकरण यही है। अगर आपको पूरा प्रकरण याद हो गया तो आप इसके ऊपर कैसा भी प्रश्न आए उसको आप हल कर लेंगे आसानी से। यूजीसी नेट 2012 में क्वेश्चन आया है, देखिए मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था वहां पे भी, सॉरी दूसरा क्वेश्चन था, अगर आप इसी वीडियो में देखेंगे दूसरा क्वेश्चन के ऊपर सेम इसी तरह से क्वेश्चन था कि 10 राज्य युद्ध जो है वो किस नदी के तट पे हुआ है। तो हमने बताया था वो पर्शनी नदी के तट पे हुआ है, जिसको हम रावी नदी कहते हैं आज के डेट में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है किंग सुदास हुज नेम इज एसोसिएटेड विद बैटल ऑफ 10 किंग, ये उसी 10 युद्ध की बात कर रहा है जो हमने पर्शनी नदी पे किया था अभी सेकंड क्वेश्चन में। नाउ ही दिस क्वेश्चन इज टेलिंग यू कि ये किंग सुदास थे, वो इस 10 युद्ध 10 राज्य युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो ऋग्वेद से बिलोंग करते थे और वो किस जनपद से थे। अब आपसे पूछा जनपद कौन सा था। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ 10 राज्य युद्ध के बारे में थोड़ी सी। तो 10 राज्य युद्ध जो है ये आपके 7th मंडल में दिया हुआ है ऋग्वेद के, जैसे कि मैंने आपको मंडल बताए थे अभी 7th मंडल में, 10 मंडल बताए थे मैंने, उसमें 7th मंडल में पूछा है। ये भी क्वेश्चन आया है कईयों बार कि जो 10 राज्य युद्ध है, जो 10 किंग्स बैटल है, वो कौन से मंडल में दी है, तो वो 10म मंडल में दी हुई है। और 10म मंडल में क्या हुआ, इसको 10 किंग्स का बैटल क्यों बोलते हैं? एक तरफ 10 किंग्स थे जो कि अंडर थे किसके, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ उसके नेतृत्व करता थे। दूसरी तरफ जो है किंग सुदास थे जो कि भरत क्लैन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इनके जो गुरु थे ये थे विश्वामित्र। तो विश्वामित्र इनको लीड कर रहे थे और 10 किंग्स उस साइड वशिष्ठ लीड कर रहे थे। तो ये जो सुदास थे ये थे त्रिस्तु जन के, और अंत में किंग सुदास जो है ये ही केम आउट विक्टोरियस, इनकी जीत होती है, और इसी के नाम पे लोगों ने बोला है कि शायद भरत जन को थोड़ा सा एक्सपैंड किया और इसी के नाम पे भारत बन गया। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हैं कि भारत नाम कैसे पड़ा, वो एक अलग मुद्दा है। तो आपको याद रखना है कि त्रिस्तु जन है। अब आप देखिए कहाँ कहाँ से कितने घुमा के क्वेश्चन, और केवल एक ही प्रकरण है कि 7th मंडल में 10 राज्य युद्ध दिया हुआ है, किसने लड़ा, किंग सुदास एक तरफ, किसके अंडर, विश्वामित्र के अंदर, दूसरी साइड कौन था, 10 किंग्स थे। उन 10 किंग्स के आपको कई बार जन पूछे जाएंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, मैं आपको केवल एक हिंट दे रहा हूँ कि उसमें से 5 जो राजा थे वो
आर्य थे और 5 राजा अनार्य कबीले से थे। तो आर्य जो कबीले के राजा थे वो कौन कौन से उसमें जन रहे होंगे, हालांकि 3 जन आपको यहीं पे दिए हुए हैं, अनु, द्रुहा और आपका यदु। इसके अलावा 2 जन और थे, वो आप जनपद मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन से थे। जीआईसी 2018 क्वेश्चन आया है, विच मंडल ऑफ ऋग्वेद कंटेन्स नदी सूक्त। ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? तो नदी सूक्त है आपका 10th मंडल में, और नदी सूक्त में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी दी गई है, महत्वपूर्ण तो नहीं बोलूंगा, जिसको सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है, वो है कौन सी? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है, इसको बोला गया है नदी तमे, नदी तमे बोला गया है। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को मैंने जैसे बताया आपको, क्वेश्चन के अंदर से ही क्वेश्चन निकलते हैं। अगर आपको ये सब चीजें याद रहेंगी तो आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हो कि सरस्वती नदी को नदी तमे कहा गया है, सरस्वती नदी के बारे में उल्लेख है नदी सूक्त में, नदी सूक्त कौन से मंडल में? 10th मंडल में। तो इस तरह से कनेक्ट करके पढ़िएगा। यूपीपीसीएस प्री 2011 में क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग संहिताएं ऑफ यजुर्वेद कंटेन्स ओनली हाइम्स एंड नो प्रोज। यजुर्वेद की निम्नलिखित संहिताओं में से किसमें केवल सूक्त है, गद्य नहीं है? जैसे आपको पता है कि यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यानी कि प्रोज एंड पोएट्री दोनों में लिखा गया है, और इसमें जो आपकी वार्ष्णेय संहिता है, ये वार्ष्णेय संहिता ऐसी है इसमें कोई भी प्रोज नहीं है, इसमें ओनली हाइम्स है, इसमें ओनली पद्य में ही लिखी गई है पूरी की पूरी संहिता, गद्य में नहीं लिखी गई है। और यजुर्वेद के 2 तरह से इसके डिवीजन हुए हैं, एक तो है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद, तो ये भी याद रखने वाली चीज है। लास्ट क्वेश्चन है ये, यूके जीआईसी मतलब उत्तराखंड जनरल इंटर कॉलेज गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 2018 में प्रश्न आया था, प्रिंसिपल ऑफ डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप फाउंड प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच टेक्स्ट। राजत्व का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया जाता है इसमें से किस साहित्य में? ऋग वैदिक साहित्य, उत्तर वैदिक साहित्य, जैन साहित्य या बौद्ध साहित्य? तो जैसे आपको पता है कि जब स्टार्टिंग होती है ऋग वैदिक साहित्य में, तो ऋग वैदिक का जो राजा है वो एक कबीले का सरदार है, उसमें कोई भी दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं दिया गया कि वो उसको ईश्वर से कुछ भी प्रेरणा दी गई है या फिर उसने वो ईश्वर का प्रतिनिधि, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड आता है और जो राजा है वो बहुत ज्यादा मजबूत होने लगता है, एरिया बढ़ जाता है उसके अंडर, तो इस तरह से जो थ्योरीज हैं वो डेवलप होने लगती हैं कि राजा जो है अब वो केवल एक आम मनुष्य नहीं है, वो हम में से सामान्य लोगों में से नहीं है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ईश्वर ने जिसको आशीर्वाद दे रखा है, जिसका हाथ ईश्वर, जिसके सर पे ईश्वर का हाथ है, और ईश्वर ने उसको बोला है कि आप मेरा प्रतिनिधि करो इस धरती के ऊपर, क्यों मतलब दैट किंग इज रिप्रेजेंटिंग गॉड। तो ये डिवाइन थ्योरी जो है किंगशिप की, ये आगे चल के बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है, हम देखते हैं गुप्ता पीरियड में चल के, और फिर मिडवे पीरियड में अगर आप बहुत, तो फिर बहुत सारे टर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे जिल्ले लाई है, फरेजदी है, बलबन की किंगशिप थ्योरी थी, अलाउद्दीन की थी, आगे चल के अकबर की बनती है जिसको अबुल फजल ने प्रतिपादित किया है। तो इस तरह की जो डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप है दैट हैज डेवलप्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, हालांकि बहुत ही अपने क्या बोलेंगे उसको बचकाने फॉर्म में है, बहुत ही माइनर फॉर्म में है, बट वहां से हम उसका ओरिजिन देख सकते हैं। तो ये मेरा आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, तो हम बात करेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक या फिर हिंदू और जो वैष्णव और शैविज्म है उसके ऊपर जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले एग्जाम से, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मिलता हूँ अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।